हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं पांच चैप्टर। डॉक्ट्राइन्स ऑफ जेनिज्म, डॉक्ट्राइन्स ऑफ जेनिज्म, जेनिज्म के सिद्धांत, जेनिज्म के सिद्धांत, जैन लोगों के जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला है, मैंने थोड़ा कितने सिद्धांत हैं, सिक्स याद रखने आपको, ये है ना, कितने सिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। थ्री रतन, महावीरा प्रीच्ड दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ मैन इज टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स और अटेन मोक्ष। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग थ्री रत्न और थ्री ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। दीज थ्री ज्वेल्स इंस्पायर अ ट्रू जैन टू हैव फेथ इन 24 तीर्थंकर, दोज who guide men and women across the river of existence to acquire knowledge from their sermons and to lead a good life। क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली वो कह रहे हैं कि महावीर जी का जो फोकस था, महावीर जी दिया था तो बेसिकली ज्ञान किस चीज़ के रिगार्डिंग दिया था? उन्होंने कहा था कि अल्टीमेट गोल जो इंसान का है वो क्या है, मोक्ष पाना। मोक्ष मतलब वर्ल्डली बॉन्ड से फ्री हो जाना, वर्ल्डली बॉन्ड से फ्री हो जाना। ठीक है, उन्होंने कहा मोक्ष जो आपको पाने कैसे पा सकते हैं, इसका तरीका भी बताया उन्होंने। तो बताया कि आपका अल्टीमेट गोल एक इंसान क्या होना चाहिए, तो बोले उस गोल को अचीव कैसे करें। तो उन्होंने कहा तीन रास्ते, तीन रास्ते को फॉलो करो और उन्हीं तीन रास्तों को वो थ्री रत्न बोलते हैं, थ्री रत्न बोलते हैं, थ्री मतलब रत्न मतलब ज्वेल्स, तो इसको इंग्लिश में थ्री ज्वेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, पहला एक राइट फेथ, सही लोगों पर भरोसा करो, राइट नॉलेज, सही नॉलेज रखो, राइट कंडक्ट, अच्छा व्यवहार रखो, अच्छा कंडक्ट अपना रखो। अगर आप ये तीनों चीज़ रख करते हो तो आपको मोक्ष जरूर मिलेगा। बोला दिस थ्री ज्वेल्स इंस्पायर ट्रू जैन टू हैव फेथ इन 24 तीर्थंकर। वो कह रहे हैं तीन ज्वेल्स आपको इंस्पायर करते हैं, एक ट्रू जैन को इंस्पायर करते हैं कि वो क्या करे, फेथ रखे। कितना फेथ रखे, 24 तीर्थंकर में रखे। तो 24 तीर्थंकर के बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि वो ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया था, गाइड किया था मैन और वुमन एग्जिस्टेंस, रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस के बारे में उन्होंने उनको गाइड किया था कि लोगों का एग्जिस्टेंस क्या है। ठीक है, और ये इंस्पायर करते हैं आपको टू एक्वायर नॉलेज, आपको नॉलेज देने के लिए भी इंस्पायर करते हैं। सर किस लिए नॉलेज देने के लिए, फ्रॉम देयर सर्मन्स, देयर सर्मन्स मतलब 24 तीर्थंकर जो उपदेश देके गए थे, जो ज्ञान देकर गए थे, उनसे सीखना, उनसे नॉलेज लेना, एंड टू लीड अ गुड लाइफ, और एक अच्छी लाइफ लीड करना, यानी गुड कंडक्ट। तीनों पॉइंट आ गए। दूसरी जो बात करते हैं कर्म के बारे में, कर्म, इस कर्म में कर्म, द जैन्स बिलीव इन द कर्म थ्योरी ऑफ हिंदुइज्म एंड दैट वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ओन कर्म। और वो कहने जैन जो लोग हैं, जैन जो हिंदुओं की एक थ्योरी है, हिंदुओं की एक थ्योरी है कर्म, उसमें बिलीव रखते हैं। सर क्या है ये, वो कहने के दैट वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ओन कर्म, आप अपने काम के लिए खुद तो रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आपने बुरा किया है तो आपके साथ बुरा होगा, और इसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, कोई और नहीं। गुड डीड्स अलोन लिबरेट अ मैन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। वो कह रहा है अगर आप अच्छे काम करते हो तो आप आजाद हो जाते हो, लिबरेट मतलब क्या, फ्री हो जाते हो। लिबरेट मतलब क्या, आप फ्री हो जाते हो, किससे फ्री हो जाते हो, फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, आपको मोक्ष मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, आप लाइफ एंड डेथ साइकिल से हो जाओगे, फ्री हो जाओगे।